हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉकेट। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं खेलने सीएसएस के साथ, थोड़ा फन करेंगे सीएसएस के साथ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ फोटोज ढूंढ रहा था तो मुझे ना कुछ दो फोटोज मिले। एक तो ये फोटो मिली मुझे, ये फोटो मिली, ठीक है, एंड एक फोटो मुझे ये मिली। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सीएसएस की हेल्प से इन दोनों फोटोज को मैं ब्लेंड कर दूं एंड एक वेब पेज रेडी करूं, ठीक है। तो चलो इस फोल्डर को मैं अपने वीएस कोड में खोल लेता हूं एंड बनाते हैं एक index.html जिस पे हमें काम करना है, index.html, एंड एक बनाते हैं हम style.css, ठीक है। तो style.css, ठीक है, एंड यहाँ पे index.html में लगाता हूँ। टेम्पलेट स्ट्रिंग नहीं आ रहा है क्योंकि जेंगो टेम्पलेट है, यहाँ पे मुझे html में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये करा मैंने, अगर ये आपका नहीं हो रहा है तो आप मेक श्योर कि आपका html का स्निपेट यहाँ पे डाउनलोडेड हो। आपको नहीं पता तो यहाँ पे जाना आप एक्सटेंशन पे, एंड यहाँ पे सर्च करना है html का, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएगा, आप उसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एंड आप सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, फिर इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करोगे, ये पूरा कोड आपका लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना, अपनी स्टाइल शीट को लिंक करना है, तो मैंने लिंक करा स्टाइल शीट को। एंड बॉडी के अंदर मैं बनाऊंगा क्या, मुझे चाहिए एक कंटेनर, ठीक है। तो मैंने बनाया डिव डॉट कंटेनर, यहाँ पे क्लास बन जाएगी कंटेनर की। एंड उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे इमेजेस है ना उनको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज src क्या देता हूँ मैं, खोल लेता एक मिनट, src। एक है मेरा फेस डॉट jpg, फेस डॉट jpg, एंड एक है हमारा क्या है, टेक्स्ट डॉट jpg, ठीक है, टेक्स्ट डॉट jpg। अगर मैं इसको लाइव करके दिखाऊं, गो लाइव पे अगर मैंने क्लिक करा, अगर गो लाइव के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं एक बार, ये भी एक एक्सटेंशन होता है। आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे जा करके लिखना लाइव सर्वर, ठीक है, ये इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर लॉन्चर डेवलपमेंट वाला, ठीक है। तो ये था हमारा इसका। अब मैंने इमेजेस को दोनों लोड करा लिया है, ठीक है, बट मुझे क्या करना, ब्लेंड करना है ना। तो ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे देखो मेरे इमेजेस लोड हो गए हैं दोनों, ठीक है, मुझे कराना है ब्लेंड। तो स्टाइल शीट पे अपने चलते हैं और पहले कॉमन जो स्टाइल्स देनी है मुझे वो दे देता हूँ। तो स्टार मार्क करा मैंने, यानी कि ये पूरे के लिए लगेगा, मतलब पूरे वेब पेज पूरे पेज पे ये लगेगा। मार्जिन एक तो 0 दे देते हैं एंड दूसरी पैडिंग दे देता हूँ 0, ठीक है, 0% नहीं, केवल 0, ठीक है। उसके बाद अपन कंपेयर करें, कंपेयर नहीं, अगर अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने बनाया है कंटेनर, उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो कंटेनर की स्टाइलिंग करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट कंटेनर, एंड इस पे देता हूँ मैं पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि मुझे अपने इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, ठीक है। तो विड्थ दिया मैंने इस पे 100% एंड हाइट दी मैंने 100 VH, 100 व्यू पोर्ट हाइट होती है, ठीक है, मतलब जिस हिसाब से मेरा व्यू पोर्ट व्यू होगा उस हिसाब से हाइट ये ले लेगा, ठीक है, 100 व्यू पोर्ट। और इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक, सॉरी अटैचमेंट नहीं, केवल बैकग्राउंड, ये हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। अब चलते हैं इमेज पे अपने, ठीक है। तो मैं गया डॉट कंटेनर और इमेज पे इसकी पोजिशन जाएगी एब्सोल्यूट, पोजिशन एब्सोल्यूट, देन टॉप से जाएगा हमारा 0 एंड लेफ्ट से जाएगा 0, ठीक है। एंड इसके बाद विड्थ हो जाएगी हमारी 100%, विड्थ 100% दे दिया। फिर हमारी जाएगी हाइट, यहाँ पे भी जाए हाइट, हाइट जाएगी यहाँ पे 100 VH। एंड फिर हमारा एक, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हो गया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, मतलब मेरी जो बाद वाली इमेज है, बाद वाली इमेज मतलब जो लास्ट वाली इमेज है वो अभी रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब इसके ऊपर ओवर वो हो गई है, क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गई, मतलब फेस डॉट जेपीजी पीछे, उसके ऊपर टेक्स्ट डॉट जेपीजी चढ़ा हुआ है। मुझे क्या करना है, बस ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए मुझे क्या करना है, एक तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट फिट लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है, एंड ओपेसिटी करनी पड़ेगी मुझे, देता हूँ 0.6 की, ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखो ओपेसिटी थोड़ी कम हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि जो मेरा फेस है उसको ऊपर लाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंटेनर को कॉल करूंगा पहले, कंटेनर, उसके बाद इमेज करूंगा, इमेज के मैं nth चाइल्ड को, nth चाइल्ड और चाइल्ड नंबर 2 है मेरा, ठीक है, nth चाइल्ड को मैंने कॉल करा एंड यहाँ पे मैं सॉरी ये क्या दे रहा, हाँ सही है, nth चाइल्ड को मैंने कॉल करा एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मिक्स ब्लेंड मोड, और इस पे कर देना है मेरे को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो गाइस, ये देखो
हो गया ना, मतलब जो मेरा फेस है वो अभी ऊपर आ गया, मतलब ब्लेंड हो गया है जो हमारी टेक्स्ट वाली फाइल है उसके साथ, ठीक है। तो ये सच में बहुत ही औसम लग रहा है। तो अगर आप ऐसे अपनी किसी भी फ्रेंड का बनाना चाहते हैं तो बस अपने फ्रेंड की फोटो मांगो, एंड ये जो सैम्पल टेक्स्ट वाली इमेज है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और अदरवाइज मैं गिटहब का कोड दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। ये हुआ एक अप्रोच, ठीक है, आप ये एक अप्रोच भी कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच भी एक बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको मतलब विदाउट टेक्स्ट इमेज के करना है तो वो कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ, लेट्स से टेस्ट डॉट नहीं अनदर डॉट एच टी एम एल, ठीक है, अनदर डॉट एच टी एम एल, एंड स्टाइल वन दे देता हूँ, स्टाइल वन डॉट सी एस एस हो जाएगी उसकी, स्टाइल वन डॉट सी एस एस, ठीक है। तो मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का कमाल था और स्टाइल डॉट सी एस एस, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब एक दूसरा तरीका देखते हैं कि उस पर कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग लगाई, मेरे ख्याल से जेंगो टेम्पलेट लगा होगा, यार ये जेंगो का बार बार लग जाता है, मैंने हटा देता हूँ एच टी एम एल, ठीक है, एंड टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा। यहाँ पे मुझे अपने पहले स्टाइल शीट को लिंक करना पड़ेगा, लिंक कर दिया मैंने स्टाइल शीट को अपने, यहाँ पे स्टाइल वन होगा, सॉरी स्टाइल वन डॉट सी एस एस, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले देना है डिव डॉट बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर में मुझे क्या करना है, एक इमेज कॉल करना है, इमेज का एस आर सी हो जाएगा फेस डॉट JPG, ठीक है, नहीं सॉरी इमेज नहीं कॉल करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इमेज नहीं, मुझे पी टैग एक लगाना है, ठीक है। मैं पी टैग लगाऊंगा, उसमें एक टेक्स्ट आता है लोरम, मतलब कुछ भी डमी टेक्स्ट लिखता है, लोरम 23 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अभी स्टाइलिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपन फुल स्टाइलिंग कर देते हैं, मार्जिन पैडिंग जीरो कर देते हैं, मार्जिन जीरो देन पैडिंग पैडिंग जीरो, ठीक है। उसके बाद बॉक्स पे देते हैं, बॉक्स की हाइट और विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो विड्थ जाएगी मेरी 100%, हाइट जाएगी 100 VH, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद मुझे देना है, मुझे सेंटर में करने के लिए मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर एंड अलाइन आइटम्स को मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है, मतलब जो मेरा टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ जाएगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देते हैं, ठीक। और बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, बैक BG लिखता हूँ, आ जाएगा BG, इसको देता हूँ मैं 12 12 12 12, हैश 12 12 12, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कि क्या कर रहा है, पोर्ट को बंद करके वापस से खोलता हूँ, ठीक है, एंड ये ओके, इसे बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, इसे बंद करते हैं एंड वापस से पोर्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे नहीं खुलेगा तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा, हाँ ऐसे नहीं खुल रहा, मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ये ले लेता है ना, मैंने यहाँ पे अनदर डॉट एच टी एम एल डाला है, तो मुझे इस फाइल को फोल्डर से जाकर के खोलना पड़ेगा। तो मैंने अनदर को खोला गूगल क्रोम से, यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट आ गया है, ठीक है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो आ गया है। अभी क्या करना है, अभी देखो ये तो कर देना, टेक्स्ट कर दिया मैंने, अभी जो बॉक्स के अंदर मैंने पी टैग है उसको अब स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया सेंटर, ठीक है, एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका, फॉन्ट साइज लेट से कर देता हूँ 5 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कर देते हैं, बैकग्राउंड में मैं वो इमेज कॉल करूंगा, ठीक है। तो BG लिखा एंड यहाँ पे आएगा URL, इट्स में आ जाएगा फेस डॉट JPG, एंड इस पे प्रॉपर्टी लगेगी सेंटर स्लैश कवर, ठीक है, मतलब सेंटर में भी आए वो और पूरे ऑब्जेक्ट को कवर भी कर ले, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लग गई मेरी बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। अभी इसके बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो भी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और इसमें एक लगेगा वेब किट बैकग्राउंड क्लिप, ये लगेगा मेरा टेक्स्ट का, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कि इतने से क्या हुआ है, अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये देखो यहाँ पे आ गया है 5 पिक्सल पे, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिखेगा, ठीक है। और दूसरा मैं लगाता हूँ वेब किट टेक्स्ट फिल कलर, ये हो जाएगा मेरा RGBA, RGBA कलर डालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 255 255 255,
वाइट कलर के लिए एंड 0.1 की ओपेसिटी दे दी। ठीक है, ये सही है। एंड इसके बाद मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली लेट्स से वर्डाना दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। इसको मैंने रिलोड करा एंड ये देखो वाइट कलर में हो गया, पर कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसे खूब ढेर सारा लगा देना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड बस कंट्रोल वी करते जाना। ये देखो ये करता किया मैंने, ढेर सारा लगा देना। अभी देखो अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो अब देखना, ये देखो कुछ इमेज तो दिख रही है। ठीक है, अभी और लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो इतनी इमेज दिख गई, यानी कि अभी ये कमी है। ठीक है, यानी कि और भी मुझे कॉपी करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट आप समझ गए ना कि क्या करना है। बेसिकली हम टेक्स्ट की हेल्प से इमेज के ऊपर पे कुछ टेक्स्ट ओवरफ्लो करा रहे हैं। तो ये दो तरीके हमने आज देखे। ठीक है, ये देखो पूरी इमेज आ गई, मतलब पूरी इमेज के ऊपर में टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, तो एक ये तरीका मैंने बताया और एक जो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल के थ्रू था वो तरीका था, मतलब कि एक ये वाला। ठीक है, एक ये तरीका दिखाया मैंने और एक ये तरीका दिखाया। तो होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ फन विद सी एस एस करते हुए। ठीक है, तो सी एस एस सच में बहुत अच्छी है, इसके साथ हमें खेलने में बहुत मज़ा आता है। आप भी ऐसे मतलब ट्राई करो, अपने फ्रेंड्स की फ़ोटो पे ऐसे बना करके वेबसाइट को होस्ट करके अपने बर्थडे पे गिफ्ट गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और लेट मी ट्राई, सही है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, दोनों दो तरीके के हो गए। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी सी एस एस प्रॉपर्टी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये दोनों, ये पूरा कोड मैं गिटहब के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। एंड मिलते हैं अगली किसी प्रोजेक्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।